नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड इन ऑटोकैड 2014। ओके, तो इसमें ट्रिम कैसे कमांड काम करता है और कैसे एक्सटेंड कमांड काम करता है। ओके, सबसे पहले हम एक्सटेंड कमांड को यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ से आप लाइन कमांड ले लीजिए, एल स्पेस। ओके, तो आप यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये लाइन की लंबाई है 150 है। ओके, अब आपने ये लाइन छोड़ दी यहाँ पे। ओके, ये लाइन छोड़ दिया आपने यहाँ पे। अब दूसरी एक आपने लाइन लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो ये लाइन से मेरे को ये दोनों लाइन यहाँ पे जॉइंट करना है। क्या करना है, यहाँ पे मेरे को जॉइंट करना है, ये दोनों लाइन को मेरे को यहाँ पे जॉइंट करना है। क्या करना है, क्या करना है, जॉइंट दिस टू लाइन्स, ये दो लाइन्स हैं आपको यहाँ पे मेरे को जॉइंट कर। तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से ट्रिम में से एक्सटेंड कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये दोनों लाइन सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट कर दिया, अब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जिसको भी एक्सटेंड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। वापस मैं एक बार दिखा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करना है, दोनों लाइन सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है और उसको जिसको एक्सटेंड करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज ये दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे को ट्रिम करना है। ओके, ये मेरे को कितने चाहिए, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ से ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। और जिसको मेरे को नहीं चाहिए पहले सबको सिलेक्ट करना है, अब वापस राइट क्लिक करना है, अब जिसको नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करूँगा, ये भी नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करूँगा, ये भी सिलेक्ट करूँगा और लास्ट में मैं ये सिलेक्ट करूँगा, और मेरे को ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर। अब आप देख सकते हैं जिसको आपको नहीं चाहिए उसको एक बार वापस करके दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले ट्रिम पे क्लिक करना है, सबको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, वो ध्यान रखना राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक नहीं करोगे तो आपको कमांड काम नहीं करेगा। ओके, तो आपको अब जिसको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको और लास्ट में इसको। तो आप ऐसे कोई भी वस्तु को आप ट्रिम कर सकते हो। ओके, लाइन और एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप जो ऐसे करोगे, आपने ऐसे किया, आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रिम पे सिलेक्ट किया, सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, अब वापस आप ऐसे ऐसे क्लिक करने लगोगे तो ऐसे आपका नहीं होगा, वो आपको गारंटी दे देता हूँ, ऐसे आपको नहीं होगा। ओके, तो आपको करना है तो आपको राइट क्लिक करना चाहिए, अदरवाइज आपका ऐसे होगा, आपका होगा ही नहीं, ट्रिम होगा ही नहीं लाइन। ओके, तो आपको जो ऐसा प्रॉब्लम्स आपको आता है तब आपको स्पेस टाइप करना है, अदरवाइज राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ट्रिम होने लगेगा। ओके, ऐसे ऐसे ट्रिम होने लगेगा। ओके, अब आपको कोई भी दूसरी लाइन्स आपने यहाँ पे एक ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब आपको एक्सटेंड करना है इसको और इसको, दोनों को एक्सटेंड करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सटेंड, अदरवाइज आपका शॉर्टकट है ई एक्स एक्सटेंड पर क्लिक करना है। ओके, अब जिसको सिलेक्ट करना है वो सब पहले सबको सिलेक्ट करना है, अब उसके बाद जिसको एक्सटेंड करना है उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। तो
आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप एक्सटेंड हो गया, ऐसे आप किसी को एक्सटेंड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अभी तक जो आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर दिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।